कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो वैसे आज मेरी आवाज़ भी इतना दम नहीं है बोलने का कि मैं आपको वैसे इंट्रो कर सकूँ पहले जैसा, जो मैं तेज बोलता हूँ तो था नहीं, क्योंकि आज जो से वीडियो आनी थी ना मेरी, अब जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल आएगी, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो थी तो वो थी 24 आवर्स इन स्टोर, वो डिलीट हो गया और मेरे को पता नहीं है किसने डिलीट करी है। मैंने एक दिन में दो दो वीडियो करी थी और दोनों की दोनों वीडियो डिलीट है, और उससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, पर मेरे को खुद नहीं पता चल रहा है कौन कर रहा है, डिलीट किससे हो जा रही है, मेरे को खुद नहीं पता चल रहा। तो आज मैं फिर करने जाऊंगा 24 आवर्स इन स्टोर रूम। आपको बता देता हूँ, पिछली बार जो मैंने करा था, मैंने रिकॉर्ड भी कर ली थी, एडिटिंग तब हो गई थी, सब कुछ हो गया था, आखिरी मोमेंट में पता नहीं कैसे लेट होगी। अभी मैं सवेरे उठा, मतलब पिछले दिन जब सवेरे उठा मैं वीडियो अपलोड करने के लिए, मैंने ध्यान दिया कि मेरी वीडियो ही नहीं है गैलरी में, वीडियो ही नहीं है, और मैं ऐसे कोई बैकअप नहीं रखता अपनी वीडियो का कि वीडियो डिलीट हो जाए तो वापस मैं कुछ कर सकूँ। मैं बैकअप बिल्कुल नहीं रखता, ऐसा होता है कि अलग अलग पार्ट होते हैं उनको मैं जोड़ देता हूँ, जोड़ने के बाद एडिट कर देता हूँ, उसके बाद जो बाकी के पार्ट होते हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो मेन वीडियो होते हैं उसको ही रखता हूँ गैलरी में बस। तो उसको ही सवेरे उठ के मैं पाता हूँ, तो मेरे पास कोई बैकअप नहीं होता कि मैं बाद में ऐसा कुछ कर सकूँ। तो अगली बार से मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा, जब तक वीडियो अपलोड नहीं हो जाती तब तक मैं कोई भी पिछली वीडियो नहीं डिलीट करा करूँगा आपसे, नहीं तो पता नहीं कैसे लेट हो जाते, मैं खुद नहीं पता। और अभी मतलब कल तो मैं इतना रोया ना सवेरे उठ के, मैंने ध्यान दिया, मैंने अपना मतलब फ़ोन ओपन करा और मैं वीडियो अपलोड करने के लिए थोड़ा लेट ही हो गया था, कल 8:30 बज गए थे मेरे हिसाब से, तो वीडियो अपलोड करते करते में तो मैं उठा, मैंने गैलरी ऑन करी और मेरे पास वीडियो ही नहीं है। तो मेरा मतलब एकदम से मैं शौक हो गया इतना ज़्यादा कि वीडियो कहाँ चलेगी, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, कहाँ है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही वीडियो मेरे को। तो मैं इतना रोया ना, मजाक नहीं आया बहुत। और कल तो मैं कल 5 बजे निकल गया था स्टोर रूम में से, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वॉशरूम, तो मेरे से कंट्रोल नहीं, और मैं निकल गया था, नहीं तो मेरा पूरा दिन का प्लान था, मेरे से नहीं हो पाया था कल, पर आज मैं करूँगा, तो देखते हैं आज मेरा हो पाता है कि नहीं। हाँ, और आज वाली वीडियो में जितने व्यूज़ आएंगे, जितने व्यूज़ आते हैं ना मेरी इस वीडियो पे, मेरे को उतनी ही लाइक चाहिए प्लीज़, और इसको आगे से आगे शेयर कर देना वीडियो को। और तकिया और कंबल तो मैंने सवेरे उठ के मैं ऊपर रखा आया था, तो बस ये चार्जर थोड़ा मोटा सामान है वो रह गया, जब मैं उसको भी ऊपर रखाता हूँ, साथ के साथ खाना खुना खाऊंगा फिर ऊपर जाऊँगा स्टोर रूम में, उसके से पहले नहीं जाऊँगा। तो आपको सीधा मैं खाना खा के मिलता हूँ। 15 मिनट्स लेटर। खाना भी मैंने मस्त कर लिया, बस ये तकिया लेने आया था और चार्जर था, तो आपको टाइम दिखा देता हूँ मैं, 9:58 हो चुके हैं, तो अब चलते हैं ऊपर। मजाक नहीं आया, पिछली बार जो वीडियो थी ना उसको बनाने में टाइम तो लगा था, पर एडिटिंग भी हुई थी, पर जो तो डिलीट हुई ना, मतलब ऐसा दुख हुआ भाई, वे गिरते गिरते बचा मैं। और स्टोर भी आ चुका है, मतलब एक बार कदम रख दिया तो बाहर ही निकलूँगा मैं, ये रख दिया कदम, अब निकलता बाहर। तक इधर कंबल इधर पड़ा, उसके नीचे तकिया पड़ा हुआ है, जरा अपन चार्जर इधर फिक्स कर देता हूँ। जो इससे पहले मैंने बनाई थी 24 आवर्स इन स्टोर रूम, उसमें तो क्या था, उस दिन संडे था, मतलब संडे था उस दिन, तो जिस करके साथ में जो रोहित है वो भी आ गया था पैर में, तो मेरे भी वही था मेरे साथ, तो टाइम पास निकल गया था मेरा। और लवली भी आ गया था दोपहर में, वही 4:30 आ गया था, तो उसके साथ भी टाइम पास निकल गया था, मतलब बातें करते रहे तो टाइम को पता नहीं चला। आज तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और ऊपर से सिर सा मेरा पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, रात को सोया था, मैं सोचा रात को सो के उठूंगा तो हो ही जाएगा ठीक, पर अब सवेरे भी हल्का हल्का दर्द है मेरा। A few moments later. 11:33 हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है स्टोर में आए हुए, और मेरा सिर ना हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो और मैं पिछली बार जब मैंने करा था ना ये चैलेंज 24 आवर्स इन स्टोर रूम, तो मेरी पता नहीं क्या मेरा छल्ला घूम गया था, जो मैंने जैसे इस हाथ में ना एक छल्ला पाया हुआ था, तो उसका निशान भी कैसे दिख रहा है, ये उंगली अलग से इतना हिस्सा ना चमक रहा है, तो वो छल्ला पता नहीं यहीं कहीं पर गिर गया था और मेरे को मिला ही नहीं, तो मैं वो देखता हूँ कहाँ पर पड़ा है। और वह छल्ला तो मेरा मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पर है, क्योंकि क्या है कि ना मेरे ये उंगली में छल्ला था, तो अब छल्ला नहीं है, तो ये उंगली थोड़ी अजीब सी कंफर्टेबल नहीं लग रही, पता नहीं कहाँ चला क्या। और मेरे सिर का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी भी हो ही जा रहा है सिर मेरा हल्का हल्का दर्द, टोपी उतार ही देता, पता नहीं क्यों टोपी पाकर घूमता रहता हूँ मैं। और मेरे बाल भी आ चुके हैं ऐसे, तो अब मैं खड़े करने शुरू कर दूंगा ऊपर को ऐसे करके। अब तो मैं बोर होने लग गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सो जाता हूँ, आँखों में नींद आ रही है, तो देखता हूँ सो जाता हूँ मैं, आधा 2-3 घंटे तो मेरे साथ ऐसे ही निकल जाएंगे सो गया तो मैं। और सामने से हमें मेरे जो पड़ोसी हैं कुत्ता भोंक रहा है, तो मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूँ कैसा है वो, पिटबुल है, उन्होंने पिटबुल पाला हुआ है ऐसे, वो देखो ये देख सकते हो आप, उनका कुत्ता है पिटबुल, तो किस दिन आपको वो भी दिखाऊंगा मैं, कुत्ते से भी मिलवाऊंगा आपको, काफ़ी क्यूट है वो। 1 hour later. टाइम 1:30 हो चुकी हैं, आपको मैं फ़ोन में दिखा देता हूँ, सॉरी 1:31 हो चुकी हैं, और आँख मेरी अब जाके खुली है, अराउंड मैं 11:30 के बजे सो गया था और अब जाके मेरी आँख खुली। तो वो तो मम्मा आए थे स्टोर में, मतलब मम्मा काफ़ी देर से नीचे काम कुम कर रहे थे ना, तो फ़ोन चलाने के लिए आए थे, तो फ़ोन ऊपर पड़ा हुआ तो चार्ज पे लगाया हुआ था,
तो वो ऊपर आए, उन्होंने फ़ोन फोन चलाया होगा, तो फ़ोन की आवाज़ आई तो मेरी उनकी आँख खुली, तो तब जाके मेरी आँख खुली और नींद का बिल्कुल भी नहीं पता चला, आँखें बंद करी और बस मैं ऐसे करके लेटा और एकदम सी नींद आ गई। जब बाहर हो रही है तिखी धूप, पर अपने स्टोर में इतना पता नहीं चल रहा तिखी धूप का, मतलब स्टोर के अंदर इतनी गर्मी भी नहीं है, स्टोर में आके इस टाइम तो मैं आराम से सो सकता हूँ काफ़ी देर तक, पता भी नहीं चला गर्मी का, ना मेरे को पसीना आया ना कुछ आया, और सामान वैसे ही पड़ा हुआ है, कंबल मैंने यूज़ नहीं करा क्योंकि कंबल की इस टाइम सवेरे के वक्त यूज़ होती नहीं है। दूसरा तकिया मेरे किधर पड़ा हुआ पैरों के नीचे, एक यहाँ पे रखा हुआ है। अब मेरे को हल्का हल्का वॉशरूम भी आ रहा है, मैं जब सवेरे उठा था, मेरे साथ मैं जब 8:30 बजे उठा था वीडियो अपलोड करने के लिए, उसी वक्त मैं जब गया था वॉशरूम, तो उसके बाद मैं एक बार भी नहीं गया वॉशरूम, ना मैं पोटी करने गया हूँ, तो पोटी तो मेरे को आ भी नहीं रही है, वॉशरूम ही आ रहा है मेरे को, तो वॉशरूम तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, सोच रहा हूँ कोई बोतल का जुगाड़ हो जाए, पर अभी इतना नहीं हुआ ओवरलोड, जब आएगा तब की तब देखी जाएगी, इतना तो अभी आ नहीं रहा मेरे को वॉशरूम। अब आँख खुल गया तो मैं, और ऊपर से मैंने इस फ़ोन को इतनी देर से चार्ज में लगाया हुआ है, जब मैंने इसको लगाया था इसकी बैटरी 60 थी, अब 69 है, मैं देख रहा हूँ है इतनी देर से चार्ज पर लगाया हुआ है अभी तक 69 ही है, पता नहीं क्या हुआ। अब थोड़ी देर फ़ोन फोन चलाता हूँ मैं अपना, फिर आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। Thousands of tears later. शुरुआत हो चुकी है, हौले हौले सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पे जितने व्यू जितनी जितने सब्सक्राइबर है उसमें और 30 सब्सक्राइबर प्लस कर दो। और तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ दादी को करा जाए वीडियो कॉल, तो मैं दादी को इस टाइम में, और हाँ इस टाइम मैं इस फ़ोन से शूट नहीं कर रहा क्योंकि इससे वीडियो कॉल करूँगा ना मैं, तो इससे मैं अपने पुराने वाले फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं दादी को लगाता हूँ वीडियो कॉल, यहाँ पे लगा दिया वीडियो कॉल, और मम्मा भी आ चुके हैं इधर ऊपर। हेलो नुसरत दी, मैं ऐसी, और देखो मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ, तो हेलो कह दो, हेलो हेलो कह दो, हेलो हाथ पे ऐसे करके हाथ, मम्मा भी हैं, हेलो गाइस, हेलो गाइस, नुसरत दी क्या हाल चाल है, क्या हाल है, क्या कर रहे हो, ओ तेरी बकरा बकरा सब, कब आ रहे हो घर, कब आ रहे हो, हाँ तो मैं ही कहूंगा कब आ रहे हो, कब आ रहे हो बताओ, वो भी कह रहे हैं, उनको तो बड़ी याद आ रही है आपकी। फोन कब आ, डैडी ने कराया फोन तुम्हारा, डैडी ने फोन कराया, डैडी ने फोन कराया कल 2 दिन। गाइस मैं दादी से बात करता हूँ, फिर आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठीक है बाय, गोली खा लो गोली, बाय करो, ठीक है ओके बाय, ओके। मेरे को काफ़ी तेज भूख लग रही थी, तो मैंने मम्मा को कुछ जो भी पड़ा है खाने के लिए ले आओ, तो यहाँ पे कुछ थोड़े से चावल और कल रात जो मम्मा ने बनाई थी दाल वो है, तो बस मैं दाल और चावल खाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ मैं। 5 minutes later. काफ़ी देर से बोर हो रहा था, तो इस टाइम देखो रोहित भी आ चुका है, इसी स्कूल की छुट्टी होगी क्योंकि 2 बजे 2 बजे छुट्टी होती है तेरी, हाँ तो ये तो मेरी हेयर स्टाइल, तेरा हेयर स्टाइल तो क्या, क्या कल ही कटवाए थे मैंने, वैसे लग नहीं रहा इतने, इतने कटाए भी है बाल, तो फिर मैं साइड कटिंग करवाता हूँ ना, तो साइड में क्या करवाया है, ये क्या करवाया है, कुछ तो है नहीं इतना, इतना नहीं मैं इतना भी नहीं करवाता यार, मैं तो छोटा भी तो है, हाँ तो बड़ा हो जाएगा इसीलिए, सब जो बड़ा, तो आपके देखो आप जरा अपना दिखाओ जरा, मेरे तो अभी देखो इनके है ना, अभी देखो मैं छोटा हूँ तो मुझे छोटी कटिंग चाहिए, तो भाई मेरे साथ भी ऐसा होता है, तेरे को पता है जो मेरा भाई कटिंग करा के आता ना खतरनाक सी, मैं बोलता हूँ भाई मेरे को भी करानी है, मेरे को भी करानी है, पापा बोलते तू बड़ा हो जा बेटा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा तब करवाएंगे, तो सभी वही वही हो रहा है समझ ले। 2 weeks later. टाइम 6 बज चुके हैं और आज तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक चुका हूँ, पिछली बार मैं 5 बजे रुका था, मतलब 5 बजे निकल गया था, और आज तो मैं 6 बजे जा रहा हूँ क्योंकि मेरा हो रहा है वॉइस प्रेशर तेज बहुत ज़्यादा, मेरे पास ना बोतल है ना कुछ है, तो मेरे से तो हो नहीं रहा ये चैलेंज, तो गाइस अगली बार आप मेरे को कमेंट करके बताना चैलेंज कैसा करना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा करने की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।